بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students, hope you all are fine and taking good care of yourself. Students, today's date is 17th August 2020 and the day is Monday. Today is our fourth lecture and we are going to study past indefinite tense. Objectives of past indefinite tense is you will understand the past tense and you will learn about the usage of past indefinite tense. Students will able to use the past tense to tell about states that happen in the past and you can make the questions in the past tense. Okay students, now comes to the rule. Past indefinite tense ki pehle hum Urdu mein pehchan dekh lete hain. जिन जुमलों के आखिर में अलिफ छोटी ये या बड़ी ये आता है वो हमारे माजी के जुमले होते हैं और उन्हें हम पास्ट इनडेफिनेट टेंस कहते हैं. जैसा कि उसने ख़त लिखा, लड़की ने कपड़े धोए. उसने ख़त लिखा में अलिफ, कपड़े धोए बड़ी ये. तो इस तरह के तमाम जुमले जिनके आखिर में अलिफ या छोटी ये बड़ी ये आता हो उसको हम पहचान कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जब हम इनको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं वी यूज़ ऑलवेज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द पास्ट इनडेफिनेट टेंस. रिमेंबर इट, वी यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज इन द पास्ट इनडेफिनेट टेंस. जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं वी यूज़ डिड नॉट. जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं वी यूज़ डिड नॉट. और जब हमारा डिड नॉट लगता है तो हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने चाय पी, आई टुक टी. इसको हम नेगेटिव में चेंज करें, मैंने चाय नहीं पी, आई डिड नॉट टेक टी. देन हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. सेम जब हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं लाइक क्या मैंने चाय पी, तो हम कहेंगे डिड आई टेक टी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इनडेफिनेट टेंस. सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव में डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, उसने ख़त लिखा, शी रोट अ लेटर. उसने ख़त नहीं लिखा, शी डिड नॉट राइट अ लेटर. क्या उसने ख़त लिखा, डिड शी राइट अ लेटर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम चिड़ियाघर गए, We went to zoo. हम चिड़ियाघर नहीं गए, We did not go to zoo. Now we use first form of verb. क्या हम चिड़ियाघर गए, Did we go to zoo? Okay students, now your diary is make sentence of past indefinite tense and translate into English. आपकी English grammar की book पर past indefinite tense की exercise given है. आप वहाँ से sentences को लेकर उनको translate into English कर सकते हैं. इसके अलावा एक एस्से एन एक्सीडेंट, ये भी आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक पर गिवन है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स प्रे दुआ. सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक. थैंक यू सो मच. फी अमानिल्लाह. अल्लाह हाफिज़.